इंसान होते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखी है, वीडियो उसकी है जो कभी एक मासूम बच्चे के चेहरे पर पेशाब करने के लिए गिरफ्तार हुआ था, लेकिन इस बार इसकी हरकत सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस बार ये कैमरे में कैद हुआ सड़क पर अपनी गाड़ी से एक शख्स को टक्कर मार के बड़े बेशर्मी से बोलते हुए कि गिर गया कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। सोशल मीडिया पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। रजत दलाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क पर तेज रफ्तार कार चलाते हुए नजर आया। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रजत की कार से एक बाइक सवार को ठोकर लग जाती है और वो वहीं गिर जाता है। रजत की बराबर वाली सीट पर बैठी लड़की उसको इस बारे में बताती है, लेकिन रजत उसकी बात को अनसुना कर देता है और कहता है कि ये उसका रोज का काम है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि रजत इस तरह की क्रूरता के लिए वायरल हुआ। इससे पहले भी रजत और उसके दोस्तों पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। जैसे आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी से टक्कर मारने के इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस आरोपी रजत दलाल का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने वाली है। पुलिस ने इसे लेकर SDM को पत्र लिखा है। इस मामले को लेकर पुलिस रजत दलाल को नोटिस देने उसके घर भी पहुंची थी, लेकिन उसके घर पर कोई नहीं मिला। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि ये वीडियो फरवरी 2024 का है। खबर के मुताबिक ये वीडियो 25 फरवरी का हो सकता है। वैसे वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्शन लिया है। उन्होंने हरियाणा पुलिस के DGP शत्रुजीत कपूर को एक लेटर लिख रजत दलाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अब आखिर में रजत दलाल की गाड़ी वाली ये वायरल वीडियो फिर से देखिए। पर क्योंकि इस टाइम वो ही रास्ता खाली मिलेगा, बाकी वरना ऑफिस है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।